रंजू वर्मा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी। और मैं आज बेसन का गटिया बनाने के लिए बता रही हूँ। और ये देख, आपने सुना कितना क्रंची आवाज़ आ रहा है और कितना क्रिस्पी है, बहुत खाने में टेस्टी लगता है। और इसे बनाना बिल्कुल, एक कटोरी मैंने बेसन लिया है और 2-3 टीस्पून तेल है, सरसों तेल, आप कोई भी तेल में बना सकते हैं। और स्वाद अनुसार नमक डाला है मैंने, और इसमें अजवाइन डालेंगे और मेथी, कस्तूरी मेथी आता है वो मैंने ले लिया है, ये अजवाइन है, इसे डाल देती हूँ। मेथी पत्ते को मैं मसल कर डालूँगी, इस तरह से हथेली पे मसल लीजिए, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है इसका टेस्ट। मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने यहाँ तेल लिया है, इसमें 1/2 टीस्पून सोडा डाली हूँ, और इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, मिक्स करूँगी, और इसे अच्छे से मिक्स करना है, इस तरह से मिला दीजिए, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अगर ज़रूरत ऊपर से भी और पानी बेसन में मैं ऐड कर सकती हूँ। इसे इस तरह से मैंने फेंट लिया है, अगर आप कोई तेल दूसरा लेते हैं रिफाइंड वाला तो पीला नहीं होगा, ये पीला हो गया है सरसों तेल की वजह से। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसमें मिक्स कर लेना है, बिल्कुल स्मूथ पूरी की तरह आटा इसे बना लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है इसमें। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं और ऊपर से भी पानी डाल सकती हूँ। इस तरह से बेसन को गूंथ लीजिए। और यहाँ पे बारिश का मौसम है, इसकी वजह से वीडियो थोड़ा अंधेरा दिख रहा है फ्रेंड्स, और लाइट भी नहीं थी, आंधी तूफान बहुत तेज आया था। मुझे मन किया मैं बेसन की गटिया बना ली चाय के साथ खाने के लिए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे पूरा मैंने इसे बिल्कुल आटा की तरह बना लिया है, और ये आटा थोड़ा सा टाइट हो गया है तो इसलिए मैं थोड़ा सा अलग से कटोरी में निकाल कर इसमें पानी थोड़ा सा डाली हूँ, और इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इस तरह से इसे मिला लीजिए, फेंट लीजिए इस तरह से, इसे राउंड और राउंड शेप में इसे घुमाना है, और इसे बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, जिस तरह से हम लोग बड़ी बनाते हैं उस तरह का हो गया है, ये देखिए। और इसे बनाने के लिए बहुत आसान है, निकल ऐसे इतना लिक्विड फॉर्म में बनाना है। तो अब मैं बता रही हूँ दूसरा प्रोसेस कि मैं किस चीज़ में बनाने वाली हूँ, मैं अपना जुगाड़ बताती हूँ। ये मैंने एक बोतल का ढक्कन लिया है, और इसमें एक चाकू को गर्म करके मैंने स्टार शेप दिया है इसमें, इस तरह से चाकू के नुक को गैस पे मैंने गर्म कर लिया, और इस तरह से उसे पिघला कर मैं स्टार शेप बनाई हूँ, ये देखिए। और एक रिफाइंड तेल का पैकेट हो या दूध का पैकेट हो उसको मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं रख लेती हूँ इसी से मटरी बनाने के लिए। अब उसमें मैं थोड़ा सा कॉर्नर को काटती हूँ, और इस एक गिलास पे रख कर मैं उसमें बैटर डाल देती हूँ जो मैंने बेसन का बनाया था इस तरह से, और ऊपर रबर लगा दी हूँ, और इसे इस तरह से दबाइएगा, बिल्कुल बिल्कुल बन बन गोल गोल बनकर आप घुमा घुमा कर डाल सकते। और मैं बताना भूल गई थी कि तेल कितना गर्म रखना है, बिल्कुल कम आंच पे गैस को गर्म करना है तेल को, और ज़्यादा तेज करेंगे तो हमारा गठिया नहीं सिकेगा। इस तरह से मैं बनाकर रेडी कर ली हूँ सबको, ये देखिए, हल्का शेप, बिल्कुल मेकर की तरह नहीं आता है पर खाने में बहुत टेस्टी है। इस तरह से बनकर रेडी हो गया है, और घर में आप बनाकर खा सकते हैं। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, टेक केयर।